दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। आज किस बात को लेकर आपने ज्ञापन दिया है? देखिए, जो हमारी बहन है और वो जो सिस्टर है उसके साथ जो फादर ने, क्या नाम फादर का, सुसाइड मणिकम ने उसके साथ गलत काम किया, बलात्कार किया, और उस समय में काफ़ी समय की बात है, उस समय वो असुरक्षित थी इसलिए उस बात को नहीं उठा पाई। अब वो सुरक्षित महसूस कर रही है और उस बात को वो उठा रही है, तो वो बात उठा रही है तो उसकी बात सुनना चाहिए, धर्मगुरु को भी सुनना चाहिए, और ताकि हुआ तो उस फादर को सजा देनी चाहिए, इनकी संस्था की तरफ से इनका जो भी धर्म में जो रूल्स है उसके हिसाब से उसको सजा देनी चाहिए और कानून के हिसाब से सजा भी होनी चाहिए। रेप का मामला, बलात्कार का मामला है। चलो 2018 का बलात्कार। मेरा नाम भंवरी देवी है और महिला जन अधिकार समिति से आई हूँ मैं, और अभी काफ़ी समय से पहले एक अभियान चला था मी टू करके, एक अभियान आप अखबार वालों ने भी सुना होगा, उसमें भी बहुत पुराने मामले निकल के आए। तो ऐसी बात नहीं है कि पुराना मामला इसलिए तुम दबाना चाह रहे हो, ये चाहे पुराना है जो भी है, वो महिला बोल रही है उसकी बात में दम है। सेंट एंसलम स्कूल बिशप पायस थॉमस डिसूजा जी के पास आए थे उनको ज्ञापन देने के लिए कि 1/11/18 व 9/3/2020 तारीख को पूर्व सिस्टर के साथ एक बलात्कार केस हुआ था, जो यहीं के प्राचार्य, उस समय के प्राचार्य थे फादर सुसई मणिकम ने उनके समय किया था, तो उसको लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया और सभी कार्यकर्ताओं ने उनसे मिलने की चेष्टा की, परंतु वो क्वारंटाइन होने के कारण नहीं मिले, हम यहाँ चिपका के आए हैं। और हम लोगों की यही मांग है प्रशासन की, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी पाया जाए उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की या किसी कारण से उसको दबाया गया तो हम सभी साथीगण आंदोलन करेंगे, अहिंसात्मक सांकेतिक धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, जो भी हमारे से बनना पड़ेगा हम वो करेंगे। ये अरेस्टमेंट हुआ उनके साथ एक, और उसके हमारे पास फ़ोन की क्लिपिंग भी है और सारे उनकी जो उन्होंने शिकायत करी है वो हमारे पास लिखित में भी है, उसकी सारी हमारे पास कॉपी है और ये हमारे पास है, उन्होंने यहाँ चिपका भी दिया है, और उनकी जो ऑडियो क्लिप है वो हमारे पास है। किस तरह का विरोध करा जा इसके प्रिंसिपल के खिलाफ? प्रिंसिपल साहब, नारेबाजी करी है और हमने एक ज्ञापन दिया है, और अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं करी, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया, अगर 7 दिन बाद नहीं है तो फिर हम आंदोलन करेंगे। पहले ज्ञापन दिया कि उस पर कार्रवाई हो जाए, पहले उस पर कार्रवाई घटना ये हुई थी, ए घटना तो पहले की है लेकिन अभी शिकायत जो करी है ना, शिकायत अभी तक नहीं हुई क्या उनकी मैडम की? शिकायत कर दी उनने एक साल पहले, थाने में करी थी, थाने पे नहीं करी। इनको बिशप जो होता है ना, इनके धर्मगुरु, इनके जो धर्मगुरु होते हैं सबसे पहले उन्हीं को करी थी। आपका नाम? शैलेश गुप्ता, अध्यक्ष मानव अधिकार।